वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो मैंने पॉइंट्स दिए आपने गार्डन में ऐड किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये आप देख सकते हैं पॉइंसेटिया, ये मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं और इनकी प्राइस और इनकी केयर पर बात करेंगे। और ये सारे डेकोरेटिव प्लांट्स, इनके साथ मैंने पॉइंसेटिया को भी ऐड किया है। और क्रिसमस पर आप भी पॉइंसेटिया अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे सभी जगह पॉइंसेटिया जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव प्लांट है, और अभी जो है विंटर में इसकी जो रेट्स होती है बहुत अच्छी होती है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा है। और फिर भी आप अगर इसे अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा प्लांट है। ये जो पॉइंसेटिया प्लांट है ये पिंक कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है, तो कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और रेडिश कलर लिए हुए आप देख सकते हैं ये। और हमारे यहाँ मतलब जो एनवायरनमेंट है राजस्थान में, वहाँ पे ये थोड़ा सा इसको सेव करके रखना पड़ता है एनवायरनमेंट से, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो और कभी बहुत ज़्यादा बारिश, तो और पानी भी जो है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा कठोर है, और उसमें जो फ्लोराइड की मात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी, तो उस वजह से इन्हें बचाना पड़ता है, पौधों को पानी जो है वो अलग से देना पड़ता है, और जो वाटर टैंक वाला पानी है वो आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी इन्हें नहीं देना चाहिए। कुछ चीज़ों का इनके जो केयर है वो ध्यान रखने चाहिए। तो ये मैंने इसकी प्राइस पर बात करूँ तो ये अभी हर नर्सरी पर मिल जाएगा, आपके इधर भी अगर कोई नर्सरी है तो वहाँ पे ये मिल जाएगा अभी पॉइंसेटिया। और ये तीनों कलर में आता है, मैंने तो तीन कलर ही देखे हैं इसके, पिंक और ये थोड़ा रेडिश टाइप कलर और वाइट कलर में भी आता है। और इसकी जो प्राइस है वो सब जगह अलग अलग है, हमारे इधर राजस्थान में ये 350-320 से स्टार्ट होता है, मुझे ये 320 में मिला है, 350 बोला था पर 320 में दे दिया है, और 320 तक में ये मिल जाता है। और ये दोनों हैं मुझे 640 में मिले हैं, 640 रुपीज़ में 320 ईच प्लांट पड़ा है। और अब इनका जो केयर है वो यहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसकी पत्तियाँ जो है ये आया जहाँ से भी है वहाँ से आने के बाद इसकी पत्तियाँ जहाँ नर्सरी में रखा हुआ था वहाँ भी पत्तियों में प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, और सारे प्लांट्स ऐसे ही हो रहे थे, थोड़ा पत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, 32-35 तक टेम्परेचर था, इसलिए थोड़ा सनबर्न हो गया, और यहाँ का पानी भी इन्हें ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कम वाटरिंग करें और इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से बचा के रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना पड़ेगा इसे, तो ऐसी जगह रखना है इसे जहाँ पे इंडोर रख सकते हैं या फिर जहाँ पे ब्राइट लाइट इसे मिल जाए। और ये अभी बिल्कुल सही जगह पर है, यहाँ पर ब्राइट लाइट ही आती है इसलिए मैंने इसे यहीं रख दिया है, और अभी इसे रिपॉट भी नहीं करूँगी क्योंकि इसकी रिपॉटिंग में भी अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, विंटर का बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से इसको रिपॉट नहीं करूँगी, नहीं तो ये शॉक में जाने का इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए अभी इसे एज इट इज़ ही मैंने अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब इसकी रिपॉटिंग करेंगे। वैसे ये कटिंग वगैरह से भी लग जाता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं आप अगर यहाँ से इसे तोड़ेंगे तो यहाँ से जो दूध होता है वो निकलता है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, ये ऐसा ही प्लांट है, तो इसका जो मिल्क होता है उसमें ध्यान रखना चाहिए, पत्तियाँ जब टूटे तो, अगर टूटे तो वो पैट वगैरह जो है वो नहीं खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और ये थोड़ा सा पॉइजनस भी हो सकता है अगर इसमें से जो दूध निकलता है उसकी वजह से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस पौधे में। बाकी ये पौधा बहुत अच्छा डेकोरेटिव है, आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो
आप भी लगाएं अपने गार्डन में पॉइनसेटिया और क्रिसमस मनाएं जैसे हम अपने गार्डन में मना रहे हैं, तो ऐसे ही अपने गार्डन को भी ग्रीन और डिफरेंट डिफरेंट रंगों से रंग दें। तो आज की अगर पॉइनसेटिया पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए जो यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको नई अपडेट्स भी मिलती रहे और अच्छी गार्डनिंग करें और अपने गार्डन को बहुत सुंदर बनाएं। नए नए आइडियाज़ अपने गार्डन में ज़रूर आजमाते रहें और खूब प्लांट्स लगाएं, खूब फूल लगाएं। यही मौसम है विंटर्स में फूल लगाने के लिए, फिर गर्मी में तो इतना नहीं हो पाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और पॉइनसेटिया भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।